ट्राउज़र आप सबके सामने है, इसकी कटिंग, इसकी स्टिचिंग आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे और ये कि पिछली वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आ रही है मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह से, और ये कि आप लोग अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। और आज का जो हमारा ड्रेस है वो है ये वाला, और मुझे तो सबसे ज़्यादा इसका इंतज़ार था कि मैं बस आपको बता नहीं सकती हैं। पहले मैं आपको ट्राउज़र का बताऊँगी, फिर बाद में मैं आपको शर्ट का बताऊँ। तो अब हम करते हैं स्टार्ट इसकी कटिंग, चले आए। हाँ, मुझे एक बात याद आई, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप लॉन्ग के कपड़े श्रिंक नहीं करती। लॉन्ग में इसलिए श्रिंक नहीं करती, ये जो यार ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना, इनमें ज़्यादा श्रिंक नहीं होते ये कपड़े, हल्का सा 19-20 का भी मुश्किल से ही फ़र्क आता है, मैंने मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये है मेरे पास मोस्ट फेवरेट ड्रेस, ये देखें, जो कि मैंने ऑर्डर किए थे सफ़ायर से। ये है इसकी लुक जी। तो सबसे पहले करते हैं ट्राउज़र की कटिंग। इस ट्राउज़र की कटिंग थी 40 लेंथ, मुझे 40 लेंथ रखनी थी। ऊपर से मैं मार्जिन रखूँगी, नीचे से मैं नहीं रखूँगी, सिर्फ आधा इंच रखूँगी, ठीक है। तो हम रखेंगे 43 टोटल लेंथ, 43 पे मैं निशान लगा लूँगी। तो फिर ये आसन जो है 15.5 रखूँगी मैं, ऊपर से 2 इंच का मार्जिन और आधा इंच नीचे से जाएगा। ये आपने थाइस पर निशान लगा लेना है जितना आपने आसन का निशान लगाया होगा। पूरी ट्राउज़र की लेंथ आपने देखनी है कितनी है, उसके हाफ पे आपने ऐसे लाइन लगा देनी है स्केल से, जो मैं लगा रही हूँ अभी, ठीक है। आपने यहाँ से फिटिंग का शेप देना है, यहाँ से आपने रखना है 2.5 इंच, ठीक है। और इस शेप में आपने यहाँ ले आना है और ये कोने तक ले जाना है बेल बॉटम। इसका मैं बेल बॉटम स्टिच करूँगी। थाइस थी 12 और नीचे का जो बॉटम है वो मैं टोटल रखूँगी 12 इंच का फ्रंट का, ठीक है। फिर आपने यहाँ से आपने कटिंग देनी है, 10 इंच की कटिंग देनी है। इस शेप में आपने निशान लगाना है और जितनी थाइस होगी उससे 2 इंच आपने ऊपर से कम करके निशान लगा देना, मतलब 10 इंच पे निशान लगा के स्ट्रेट लाइन लगाई मैंने। फिर आर्म होल का जिस तरह आप निशान लगाते हैं वो आपने उसकी शेप देनी है ऐसे आसन की। यह आपने दोनों साइड फ्रंट और बैक की कटिंग ही देनी है जो मैं दे रही हूँ, चारों साइडेड पकड़ के, ठीक है। और ये सिर्फ फ्रंट का कपड़ा काटना है जो मैं कटिंग कर रही हूँ अभी। इस तरह आपने पूरा ही कटिंग कर लेना है और 2-2 इंच उठा के आपने आगे करना है, 2 इंच 2 इंच 2 इंच बस। और यहाँ से आपने 2.5 इंच का देना है और यहाँ से ऊपर कर्व की तरफ आपने ले जाना है। सब ट्राउज़र्स में मैं ऊपर की शेप इस तरह ही देती हूँ। और यहाँ से आपने 1.5 इंच की चौड़ाई देनी है, मतलब निशान लगा के इस तरह आसन पे ले आना है, ठीक है। ये फ्रंट है और ये बैक है। तो अब हम करेंगे कटिंग, ये सेम एज़ इट इज़ वही कटिंग देनी है जो फ्रंट की होगी। बहुत प्यारा लुक आया था इसका। हमारा हो गया है ट्राउज़र कटिंग। मैं आप लोगों को एक दफ़ा और बता दूँ, सबसे पहले मैंने ये फ्रंट कटिंग किया है, ठीक है। इस ट्राउज़र का आपने हाफ़ करना है जितना भी होगा, यहाँ से आपने शेप देनी है अपनी फिटिंग की। 2.5 इंच का रखना है आपने, यहाँ से पहले कपड़ा सीधा होगा ना, यहाँ से 2.5 इंच का करके आपने ऐसे शेप देनी है जो मैंने आपको बताई। वीडियो बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। तो अब हम करेंगे इसकी आसन की सिलाई दूँगी फ्रंट और बैक, उसके बाद प्लेट्स डालने हैं यहाँ कट लगा के। देखें इस तरह से मैंने मेजरमेंट की है, आपने सेम इसी तरह ही करनी है। यहाँ से आपने 7 इंचेस रखना है, यहाँ से 1/2 इंच रख के इस तरह नीचे कोने तक आपने सिलाई ला के रोक देनी है। इसी शेप में आपने सिलाई देनी है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना आप हमें प्लेट्स का बताएं, तो नॉर्मल यहाँ से आपने सिलाई देनी है, दोनों तरफ से देनी है। इसको उठा के यहाँ से देनी है और इसको यहाँ से देनी है, फ्रंट साइड है ये। मैंने वैसे जो मैंने आपको बताया था प्लेट्स मैंने लगा ली हैं दोनों तरफ और ये बीच की सिलाई है। अब ट्राउज़र को हम साइडों से अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद मैंने ऊपर से नेफा फोल्ड कर लिया था। नेफा फोल्ड करने के बाद इलास्टिक डालना है,
ठीक है, ये मैंने लगा लिया था लास्ट एक, और साइड पे ये मैं जो लूप्स लगाती हूँ वो मैं तो लाजमी लगाती हूँ। तो अब आ जाते हैं हम ट्राउज़र के बॉटम की तरफ, और ये जो मैंने कपड़ा काटा था 5.5 इंच की चौड़ाई और लंबाई आपने अपने बॉटम के हिसाब से देख लेनी कितनी रखनी है, ठीक है। इसके मैं बताती हूँ आपने कैसे लगाना है। आपने ये कपड़ा जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह फोल्ड करके आपने ऊपर रख के ऐसे सिलाई करनी है सीधी वाली साइड पे, ठीक है। और दूसरे पांचे की भी आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने कपड़ा चौड़ा ज़रूर रखा है, इसलिए रखा है कि थोड़ा सा हैवी लुक आएगा नीचे से ना, मतलब बेल बॉटम है ना, ढलकता ढलकता भी इतना बुरा लगता है। तो ये मैंने लगा ली थी सिलाई। इसको फोल्ड करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये देखें इस तरह फोल्ड होगा, फ्रंट वाली साइड से ना बिल्कुल भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये देखें इसी तरह ही लगाया करें अगर आपने कोई भी पट्टियाँ शट्टियाँ पलटावा शलटावा लगाना होता है। अब आपने इसको ऊपर वाली साइड से फ़ोल्ड कर लेना है। आपने इस तरह फोल्ड करके इसको, मैं आपकी साइड की सिलाई आपको बताती हूँ आपने किस तरह लगानी है। आपने गुम लगानी है, ठीक है, कि बिल्कुल भी नज़र ही ना आए कपड़ा, यहाँ सिलाई रख के आपने लगानी है, ठीक है। ये देखें इस तरह कपड़ा रख के आपने पूरी सिलाई लगा लेनी है बस। और अब आप इसको सीधा करेंगे, ये देखें इसको मैं सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखें आहा हा 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 हा, ये देखें शर्ट हो सूट हो प्रॉपर कटिंग के साथ स्टिच हुआ हो ना, पहनने का भी बहुत मज़ा आता है। तो इस वाली साइड से आप स्टिच करना चाहें स्टिच कर लें, तुरपाई हाथ से करना चाहें तो हाथ से कर लें। तो ये ट्राउज़र हो गया था मेरा रेडी। ये इस ट्राउज़र आप सबके सामने है, इसकी कटिंग इसकी स्टिचिंग आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका बॉटम आप देखें इतना को खूबसूरत स्टिच हुआ है, ना तो ज़्यादा ये ओवर है कि काफ़ी लूज़ जा रहा है कि फिटिंग में जा रहा है, और ये चौड़ी पट्टी मैंने प्रेस बुकरम लाइक उसकी तरह लगाई थी कि ना प्रेस बुकरम भी ना हो और उसका जो लुक है ना ऐसा ही शो हो कि जिस तरह आपने प्रेस बुकरम लगाई हुई है। और ये देखें यह है पूरी लुक इसकी। और वीडियो आपको अच्छी लगे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी वीडियोस आने वाली आपको मिल सकें। और इसकी इतनी खूबसूरत शर्ट है, इतनी खूबसूरत शर्ट है, मैं 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दूंगी। और ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।